3 क्लास 9 इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अप टू द क्वेश्चन नंबर 9. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग रिप्रेजेंट रूट ऑफ 5.6. सो वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो हाउ वी ड्रॉ योर रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3, रूट ऑफ 3.5. सो यू कैन अंडरस्टैंड वाई दीज एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यू कैन सॉल्व दैम ऑन योर सेल्फ. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. एंड दिस इज ए इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रेसिंग लाइज 7/3 + √2. अब इसे हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है. और मैंने आपको बताया था जब हम रैशनलाइज करते हैं किसी वैल्यू को तो यहां पर जो वैल्यू होती है उसके कॉन्जुगेट वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. और लेट्स सी इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू क्या होगी. अब मैं लिख देता हूं यहां पर कॉन्जुगेट वैल्यू कॉन्जुगेट ऑफ 3 + √2 इज 3 - √2. यही होगी. अब इससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. सो 7/3 + √2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम किसे, 3 - √2 / 3 - √2. ओके, आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 7 ( √2 / अब देखो ये a + b और a - b तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर. ओके, ये किससे आया, a + b a - b. ओके, तो ये क्या होता है, a² - b². ओके, लेट्स सी नाउ 7 = 21 - इससे 7 ही रहेंगे, 7 - 3 - √2 और ब्रैकेट ऑफ ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और -√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2. अब हमने ये क्या प्रॉपर्टी यूज ली, आपको पता है ना किसी भी रूट ऑफ ए की वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, आपके ये प्रॉपर्टी की टर्म मैं लिखा देता हूँ, ठीक है. तो यहां से आप सॉल्व करोगे इसे 7 = √2 / 7 = आंसर क्या आ गया, 3 - √2. दिस इज योर सॉल्यूशन. सो सिमिलर ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व. इसी तरह से आपको क्या करना है, अदर क्वेश्चन सॉल्व करने. अब मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन बताता हूं. अब देखो इसके फोर्थ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करना. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन 4, 11th का 4. फोर्थ में क्या दिया हुआ है, 7 √2 - 5 √2 / √48 + √18. अब इसका कॉन्जुगेट नीचे वाले को देखो, पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सॉल्व करोगे इसे 7 √3 - 5 √2. अब देखो मैं 48 को क्या लिख सकता हूं, 16 * 3 लिख सकता हूं के अंदर, एंड प्लस इसे 18 को क्या लिख सकता हूं, 9 * 2 लिख सकता हूं. तो यहां से एक बात समझ में आती है क्या, 7 √3 - 5 √2. तो कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, देखो यहां से रूट से बाहर कुछ आ रहा है, 16 √16 क्या होता है, 4. तो 4 और रिमेनिंग रूट के अंदर क्या रह गया, 3. अब यहां पर देखो इसी तरह से रूट के अंदर 9 है, तो 9 बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 * 2. ये एडिटिव रहेगा नीचे, ये 16 था तो ये 4 हो गया और रूट में क्या रह गया, √3. नाउ 9 अंदर है रूट के तो ये बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, 3 और ये √2. सो इन द नेक्स्ट स्टेप, अब इस डिनोमिनेटर में क्या है, एक रेशनल वैल्यू है, तो इनको हमें
रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट ऑफ 4√3 प्लस 3√2 क्या होगा इज 4√3 माइनस 3√2, यही होगा कॉन्जुगेट अपोजिट साइड। ओके सो 4√3 माइनस 5√2 अपॉन 4√3 माइनस प्लस 3√2 4√3 माइनस 3√2 4√3 और ये क्या है माइनस 3√2। ओके सो नाउ अब आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, देखो हर एक टर्म का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 7√3 और इसका मल्टीप्लाई इस टर्म से करोगे, 7√3 का मल्टीप्लाई करोगे किससे 4√3 माइनस 3√2। ओके फिर माइनस है तो माइनस आएगा 5√2 और इससे मल्टीप्लाई करोगे 4√3 माइनस 3√2। ओके अब नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी है, सो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस बनेगा 3√2 होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां से हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके नाउ अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और इन्हें सॉल्व करेंगे, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं कंप्लीट यहां से बिकॉज आई नीड टू स्पेस। ओके दैट्स इट, 7√3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 का 4 से मल्टीप्लाई 28 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, 7 का 3 से मल्टीप्लाई 21 और √3 का √2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √6। ठीक है माइनस 5 √2 का मल्टीप्लाई से करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई 4 से 20 एंड √6। ठीक है √2 × √3 √6, 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई √2 और माइनस है ये और माइनस है ये तो ये क्या हो गए प्लस मल्टीप्लाई होगी। ओके नाउ ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16 × 3 तो अपॉन में क्या आ गया 48, अपॉन में क्या आ गया 48। नाउ माइनस 3 × 2 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 यहाँ पर क्या आएगा 18 और ब्रैकेट में क्या है माइनस 2 इज माइनस, कहां से आया इसको तो लिखना ही। ठीक है अब देखो यहां से नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया 84 हो गया। ठीक है अब ये माइनस का 21√6 ये माइनस का 20√6 तो ये क्या हो जाएगा प्लस का सॉरी माइनस का 41√6। ओके ये क्या हो जाएगा प्लस 30 अपॉन यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 30। अब यहां पर कुछ डिवाइड हो रहा है तो देखो यहां से कुछ डिवाइड होता है तो नहीं होगा तो दिस इज योर आंसर, लेकिन ये सॉल्व हो रहा है ऐड हो रहा है ये तो इसे एक स्टेप और ऐड कर दूं, इसे ऐड करोगे तो हो जाएगा 114 माइनस 41√6 अपॉन में 30, दिस इज योर आंसर। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है अब देखो मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 5
देखो ये फिक्स मेहनत के क्वेश्चन है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा इनमें कि आपको अगर आंसर किसी मैच करना है तो आपको इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा, कोई और प्रोसेस नहीं। अगर आंसर की इससे मैच नहीं करना होगा, कोई भी आंसर हो सकता है, तो आप उसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, दे आर नॉट फिक्स्ड स्टेप। लेकिन यहाँ पर हमें आंसर की इससे मैच करना है तो फिर फिक्स्ड स्टेप के साथ करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, फर्स्ट 3 अपॉन रूट 3-2 प्लस रूट 5। अब मुझे ये दिया हुआ है, अब प्रॉब्लम ये कि सर किसे हम पेयर मिले और किसे कॉन्जुगेट, भाई किसे पेयर मिलोगे, इन दोनों को पेयर मिले या इन दोनों को पेयर मिले, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अब ठीक है, आपके आंसर के लिए अगर आपने चेंज कर दिया, इन दोनों को पेयर में ले लिया और इसे कॉन्जुगेट के टर्म में, मतलब कॉन्जुगेट यहां से इन दोनों को पेयर बना के लिया, तो आंसर मैच नहीं करेगा बेटा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक पेयर में लिया और इसे कॉन्जुगेट के टर्म में लेंगे तो √3 - √2 प्लस √5 कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज क्या होगा, माइनस वाले टर्म होगी, प्लस का कॉन्जुगेट माइनस होता है, तो √3 - √2 - में आएगा क्या, 5। अब कॉन्जुगेट टर्म का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन ब्रैकेट ऑफ। अब देखो एक बड़ा ब्रैकेट बना दो और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, √3 - √2 - √5 और ये बड़े ब्रैकेट। ओके, यहाँ पर क्या गिवन था, √3 - √2 + √5, तो ये दोनों एक ब्रैकेट में थे और इस तरह से था, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पर √3 - √2 और माइनस क्या आ जाएगा, √5। अब एक प्लस बी ए माइनस बी नीचे बन रहा है और ऊपर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो नीचे क्या बन रहा है, a + b (a - b) = a² - b² इसे यूज करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 3 √3 - √2 - √5 (ऑफ). अब देखो इसका स्क्वायर √3 - √2 का होल स्क्वायर आएगा, बिकॉज a² - b² क्या है, √5 का स्क्वायर, तो यहां से b². ओके, और नाउ लेट्स सी ये क्या हो गया, 3 √3 - √2 - √5। अब इसका होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर a² √3 का स्क्वायर प्लस b² √2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 × √2। ओके, एंड माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। अब देखो यहां से नेक्स्ट स्टेप में 3 √3 √2 √5। ओके, ये तो एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में क्या हो गया, √3 का स्क्वायर 3 √2 एंड माइनस 2 √6 एंड माइनस 5। अब आपको दिख रहा है 3 + 2 = 5 होता है, तो ये कट हो जाएगा इस। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप लेट्स सी 3 √3 - √2 - √5 नीचे क्या बचा आपका, -2 √6। अब देखो अपॉन में √6 है, अगेन रेशनल नंबर, तो मल्टीप्लाई करेंगे √6 से, मल्टीप्लाई बाय √6। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 √3 - √2
से मल्टीप्लाई करना है रूट सिक्स, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, थ्री रूट सिक्स ओके एंड माइनस रूट फाइव। लेट सी एट हियर ये क्या हो जाएगा माइनस टू, और रूट सिक्स का रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स, अप एंड डाउन में मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया रूट सिक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या वैल्यू हो गई, इसे सॉल्व कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री रूट एटीन माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री रूट, अच्छा थ्री से तो डिवाइड हो सकता है ना, तो इस रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करो, रूट सिक्स से करोगे रूट एटीन, इससे करोगे रूट ट्वेल्व और इससे करोगे तो रूट थर्टी। मैंने आगे सिक्स से मल्टीप्लाई किया इन साइड में और अपॉन में ये क्या है माइनस ट्वेल्व। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा थ्री से ये कट जाएगा तो वन अपॉन फोर, और नीचे माइनस है तो ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया रूट ट्वेल्व रूट थर्टी माइनस रूट एटीन। अब देखो अपॉन में फोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन में फोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ब्रैकेट में दिख रहा है। फिर से सुन लो यहां से, ये थ्री रूट सिक्स था तो रूट सिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया इन टर्म्स का, रूट सिक्स इंटू रूट थ्री रूट एटीन, रूट सिक्स इंटू रूट टू रूट ट्वेल्व, रूट सिक्स इंटू रूट फाइव रूट थर्टी एंड टू इंटू सिक्स ट्वेल्व। अब यहां से ये थ्री से डिवाइड हो गया फोर टाइम तो वन अपॉन फोर, नीचे माइनस था तो ऊपर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया नीचे ऊपर, तो माइनस से ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ट्वेल्व माइनस का था प्लस, ये थर्टी माइनस का था तो प्लस, और रूट एटीन एटीन प्लस का था तो ये माइनस। सो दिस इज योर आंसर ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स क्वेश्चन इज सिमिलर वे एंड वी आर टू वॉच इट केयरफुली। इन द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज सिक्स अपॉन रूट थ्री और सॉरी थ्री प्लस रूट टू माइनस रूट फाइव। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या किसे लेना है, ठीक है। अगर हमें आंसर मैच कराना है तो मैं इसे क्या करता हूँ रीअरेंज करता हूँ बाय रीअरेंजमेंट बाय री अरेंजमेंट। अगर मैं इसे रीअरेंज करूंगा तो सिक्स अपॉन थ्री माइनस रूट फाइव प्लस रूट टू कर देता है ओके। अब आप क्या करोगे इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनलाइज करना है, मैं लिख नहीं रहा उसे थोड़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, थ्री माइनस रूट फाइव इसे एक ब्रैकेट में रख लूंगा और प्लस रूट टू इसे अलग, तो इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपोजिट साइन से, क्या होगा सिक्स अपॉन सॉरी थ्री माइनस रूट फाइव माइनस रूट टू इससे मल्टीप्लाई करना, सो थ्री माइनस रूट फाइव माइनस रूट टू, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा सिक्स थ्री माइनस रूट फाइव माइनस सिक्स रूट टू ओके। वैसे सिक्स कट जाएगा लास्ट में तो ऐसा करोगे इससे रहने बिकॉज नेक्स्ट को कट कट ही जाते हैं। लेट्स सी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो ए स्क्वायर मीन थ्री माइनस रूट फाइव का स्क्वायर और माइनस में रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसे यूज करोगे तो सिक्स रूट थ्री माइनस रूट फाइव माइनस रूट टू। अब इसका होल स्क्वायर ये तो क्या था ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पर ये होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन रूट फाइव का स्क्वायर फाइव माइनस
माइनस होता है इनका डबल, 2ab, तो 2 × 3 और रूट 5, सो 6√5। और ये माइनस 2 का रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। अब इसे सॉल्व कर दो, मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो 6 ब्रैकेट ऑफ 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 2 9 प्लस 5 14 माइनस 2 12 ओके माइनस 6 रूट 5। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 6 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 2 और इससे ब्रैकेट इस तरह से 6 कॉमन 2 माइनस रूट 5 6 से 6 डिवाइड। अब एक बात बताओ, नीचे क्या है, 2 माइनस रूट 5 है ना, तो मल्टीप्लाई करो 2 प्लस रूट 5 से, बिकॉज इसे भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर इसे आप मल्टीप्लाई करो 2 प्लस रूट 5 से, ओके मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 5, ठीक है, बहुत न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में क्या है 2 माइनस रूट 5। अब इसे मल्टीप्लाई करना है आपको 2 प्लस रूट 5 अब देखो 2 प्लस रूट 5, अब हर एक टर्म का इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करो, मैं इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 ब्रैकेट ऑफ 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 2 प्लस रूट 5, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 2 इस टर्म से, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा इन दोनों का स्क्वायर, तो 4 माइनस 5 2 का स्क्वायर और ये रूट 5 का स्क्वायर, ओके लेट्स सी। अब ये थोड़ा लेंथी टर्म आएगा तो मैं यहां से रेज कर देता हूं, ठीक है लेट्स देख क्या था सॉल्यूशन, 2 का मल्टीप्लाई इन सब टर्म से, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे क्या आएगा 6, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया 6, 2 का मल्टीप्लाई रूट 5 से किया तो माइनस 2 रूट 5, हर एक टर्म से करना ही पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से किया तो माइनस 2 रूट 2, ठीक है, प्लस रूट 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो प्लस 3 रूट 5, 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 से किया तो क्या आया 5, और माइनस में रूट 5 का मल्टीप्लाई रूट 2 से किया तो रूट 10, ये तो आए आपके सॉल्यूशन यहां पर। उसके बाद नीचे क्या बना आपका माइनस 1, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, माइनस 1 से अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई किया बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ये लिख लेना बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सो इससे मल्टीप्लाई करोगे आप। अब देखो पहले हम इसे सॉल्व कर ले थोड़ा सा, 6 और 5 सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा 1, ठीक है, ये माइनस 2 रूट 5 ये प्लस 3 रूट 5 तो प्लस का रूट 5, और कुछ बचा, ये 2 रूट 2 माइनस का 2 रूट 2 और माइनस का रूट 10। अब देखो नीचे क्या था माइनस 1, तो मैंने माइनस 1 का नीचे मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, अब क्या बनेगा,
ये तो प्लस वन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा क्या, रूट टेन टू टू माइनस टू फाइव और माइनस वन। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, मैं इसे रेज कर रहा हूं नीचे से और यहाँ पर स्टेप्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक एक स्टेप को स्लो स्लो समझना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व।